शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस है इन चार बिंदुओं की ओर है। रोमन साम्राज्य यानी कि तीन महाद्वीपों में फैले साम्राज्य की राजनीतिक जीवन कैसा था, ये तो शायद समझ ही गए। राजनीतिक जीवन का मतलब हुआ कि वहां गणराज्य की समाप्ति हो चुकी थी और वहां पर अगस्टस ने मोनार्च को एस्टेब्लिश कर दिया था। राजनीतिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन, वहां के लोग किस प्रकार रहते थे, उनके आपस में संबंध क्या थे। बड़ा अजीब सा लगता होगा कि रहते होंगे परिवार, काम होगा, कुटुंब होगा, गांव होगा, शहर होगा, लेकिन बच्चों हम बात कर रहे हैं 2000 साल पुरानी, तो इसलिए इतिहास में यह जानना जरूरी है कि जो सिस्टम आज चल रहा है, जो सिस्टम आज देख रहे हैं, क्या वो सिस्टम उस समय भी था। तो आंसर मिलेगा था। हां, ये सिस्टम सामाजिक जीवन की बात करें तो समाज में एकल परिवार होता था। आज के समय में कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल जनरल हो गया है। एकल परिवार का मतलब मदर, फादर और बच्चे, एकल परिवार यानी संयुक्त परिवार की परंपरा रोमन साम्राज्य में नहीं थी। दूसरी आती है महिलाओं की स्थिति। हम बात करें महिलाओं की स्थिति आज से 2000 साल पहले बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनको संपत्ति में भी अधिकार था। यानी कि एक पिता के एक पुत्री है और पुत्र है, तो पिता की संपत्ति दोनों में बराबर हिस्से में बांटी जाएगी। वो महिला की इच्छा है यानी पुत्री की इच्छा है, वो संपत्ति को स्वीकार करे अथवा नहीं, लेकिन कानून था महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था। यहां बात आती है साक्षरता। रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो काम चलाओ पढ़े लिखे थे, यानी जितनी आवश्यकता थी उतना उनको पढ़ने का काम वो करते थे। कोई बहुत ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं किया गया, यानी आप ये मान लीजिए कि लिखना पढ़ना और साधारण गणित की कैलकुलेशन ये कर सकते थे। उसके बाद आती है संस्कृति की विविधता। ऑब्वियसली संस्कृति की, कल्चर की अलग अलग डिफरेंस होगा ही, क्योंकि ये साम्राज्य ना केवल एक बहुत छोटे से हिस्से में बल्कि एक बहुत बड़े हिस्से में था। तो जैसे यूरोप का कल्चर अलग है, एशिया का अलग है, अफ्रीका का अलग है, इसलिए संस्कृति की विविधता भी दिखाई देती है। फिर आते हैं आर्थिक ढांचा। किसी भी राज्य को मजबूती से लंबे समय तक चलाने के लिए आर्थिक ढांचा मजबूत होना चाहिए, यानी कि राज्य के पास इनकम होनी चाहिए, उसकी आय होनी चाहिए। और राज्य की आय आएगी कहां से? टैक्स से, जो जनता के ऊपर लगाया जाता है। राज्य की कोई